Yo, what is up guys, welcome to another video। तो guys, आज मेरा इंट्रो थोड़ा अलग है और अलग वो इसलिए है क्योंकि आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रियल हॉरर वीडियोस कॉट ऑन कैमरा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और मुझे सही बताओ तो मुझे बहुत डर लगता है यार। मतलब मैं नहीं देखता इस तरह की वीडियोस, लेकिन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं जो रिएक्ट करते हो, तुम उनको बहुत अच्छे व्यूज़ देते हो, तो क्यों ना हम भी रिएक्ट करें और थोड़ा व्यूज़ हम भी कमाएं ना। चलो गाइस, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कुछ बहुत अजीब देखने को मिलेगा, तो एक बार आप भी इस फुटेज को देख लीजिए। क्या अजीब है? वे पीछे पीछे वाली की आंख देखो, वो जो पीछे थर्ड लड़की है, तो पीछे देखा, पीछे देखा तुमने? मूविंग राइट से कैसे गायब हो गई? भाई नंबर टू, अभी जो फुटेज आप देखने वाले हो उसे मैं खुद बहुत बार देख चुका हूँ, लेकिन ये फुटेज हर बार उतनी ही चौंकाती है। ये फुटेज पहले आपके रोंगटे खड़े कर देगी, उसके बाद आपके दिमाग में सवालों का बवंडर ला देगी। कुछ दिखा क्या तुमको? अच्छा, अभी स्टार्ट हुई है। नंबर वो पेड़ 3, उसके ऊपर गिरा। तो ये दिल दहला देने वाली फुटेज थाईलैंड से है, जिसमें ये लोग शमशान घाट में एक रिचुअल करने जाते हैं, जिससे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये लोग होते कौन है भाई? मतलब इतने गट्स कहां से आते तुम्हारे अंदर यार, इतनी रात में वो भी शमशान घाट में ये भूतों से कांटेक्ट कर सके। दरअसल इस शमशान घाट में घटा एक किस्सा इन लोगों को यहाँ पर खींच लाता है। तो इस कुछ और काम नहीं है के चारों ओर खेत है। एक दिन खेत में काम कर रहे किसानों को एक महिला के रोने की आवाज आती है, तो किसान को दिखता है कि एक महिला कब्र पर बैठकर रो रही है। जब वो उसके पास जाते हैं तो वो गायब हो जाती है। तो इस फुटेज पे आते हैं। अब ये भाई साहब इस कब्र में ही जाके लेट जाते हैं, क्योंकि ये उनके रिचुअल का पार्ट है। लेकिन इसके बाद जो होता है उसे आपको भी एक बार देख लेना चाहिए। क्या हो रहा है? और उसकी माँ की अभी ये कैमरा ट्रिक भी तो हो सकती है ना? क्या लगता तुमको, कैमरा ट्रिक है फिर रियल है यार? ऐसा भी तो हो सकता है कि रात में किसी ने, और मतलब इसने अपनी शर्ट वगैरह पे कुछ वायर वगैरह से मतलब कुछ कर रखा हो, और कुछ कुछ कैमरा ट्रिक्स भी होती है ना यार, मतलब होती हैं कुछ कुछ कैमरा ट्रिक्स जो पता नहीं चलती, जो कैमरे में कोट नहीं होती, मतलब कैमरा ट्रिक ही उन्हीं को बोलते हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह में होती है। ऐसा भी हो सकता है कि कैमरा ट्रिक है, एडिटिंग वगैरह भी हो सकती है। ये सब यही ख़त्म नहीं हुआ। ये बंदा अपने बाकी टीम मेंबर्स को बताता है कि दूसरी कब्र से नॉक करने की आवाज़ आ रही थी। ये बताते वक्त उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता। तुम बताओ गाइस, तुमको क्या रियल लग रही है फिर कैमरा ट्रिक लग रही है? कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकती है, कैमरा ट्रिक भी हो सकती है। जाता है। लेट्स सी। ये तो पक्का मुझे व्लॉगर लग रहा भाई, इसने व्यूज के लिए कर रखा है। तो ये वीडियो असली है या फिर ये लोग नाटक कर रहे हैं, इसका फैसला आप ही कीजिए। तुम बताओ गाइस, कमेंट में बताओ। तो ये रियल लगी है फेक फुटेज है? देखो, जो सीसीटीवी फुटेजेस होती है ना, वो तो शायद रियल रियल होती है यार, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से तुम क्या एडिटिंग करोगे। बट ये तो मुझे थोड़ी फेक टाइप लगी, कि कोई प्रोफेशनल बंदा, प्रोफेशनल लगे थोड़े, है ना, ब्लॉगर वगैरह लगे मुझे तो, ये जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए थोड़ा, है ना। लेकिन जो सीसीटीवी वीडियोस होती है ना, मतलब सीसीटीवी फुटेज होती है, वो तो आई होप सो कि रियल ही होती है। जहाँ से हमें ये वीडियो देखने को मिला था, एल रेगियो नाम के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जब इस स्टोर में रात गुजारने जाते हैं, तब कुछ ऐसा हो जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज है क्या? हाँ, वो पीछे कुछ हिला, देखो पीछे हिल रहा है कुछ। अबे ये बच्चा है? तो इस स्टोर में जो हो रहा है
वो सच में पैरानॉर्मल है या फिर ये इनकी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। नंबर 6, तो एक छोटा बच्चा अपनी दादी के साथ अकेले घर में खेल रहा होता है। दादी को पता था कि मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बाद में जब दादी ने वो वीडियो देखा तो उन्होंने वो जगह ही छोड़ दी। तो उसमें ऐसा क्या था, आप भी देख लीजिए। भाई डर डर लग रहा सही में। कुछ दिखा क्या? कुछ दिखेगा इस तो बता। उसकी माँ का। नंबर 7, इस फुटेज को देर रात को रिकॉर्ड किया गया था। हम वीडियो में भी देख सकते हैं कि रोड सुनसान है, लेकिन इस फुटेज में जो रिकॉर्ड हो गया उसे आप भी देख लीजिए। Dude, I'm actually freaking out. I'm gonna. Dude, it gets more. एक बच्चा दिख रहा है। नंबर 8, अबे ऐसा भी तो हो सकता है कोई बच्चा हो। तीन लोग ओइजा बोर्ड से भूतों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे। जिस भी बंदे को ओइजा बोर्ड के बारे में नहीं पता है, बहुत मतलब ऐसा माना जाता है कि ओइजा बोर्ड एक गेम है और इसको अगर तुम खेलते हो, वो मुझे नहीं पता कि कैसा खेलते हैं, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि तुम इससे रियल जो गोस्ट होते हैं, जो रियल आत्मा होती है, उससे तुम कम्युनिकेट कर सकते हो। होते हैं तभी कुछ ऐसा सुना है मैंने कभी किया नहीं है। वो भाई पीछे वो हिला, पीछे वो टेडी बियर हिल रहा है। जब उनमें से एक दूसरों को बताता है पर वो उसकी बात नहीं मानते, उसके बाद वो फिर से हिला। इनकी फटी भाई। नंबर 10, सालो तो इस फुटेज को ध्यान से देखिए और कमेंट करना कि इसमें जो हुआ वो क्या आपको दिखा। नहीं दिखा अभी तक। पक्का डोल ही लेगी वो। हाँ मुझे लगा ही था। प्लिंकी गाइस, ओए उसने आंख हिलाई। फॉलोइंग क्लिप्स वाज फिल्म बाय माय मॉम एंड आई वर ऑन वेकेशन। वी डिसाइडेड टू लीव आवर कैट होम अलोन फॉर द फ्यू नाइट्स वी वुड बी गोन। वी शेड्यूल्ड आवर हाउस सिटर टू कम बाय एंड चेक अप ऑन देम एवरी अदर मॉर्निंग। व्हेन वी अराइव बैक होम वी नोटिस अ स्ट्रेंज चेंज। जो भी था आगे पढ़ नहीं पाए हम। ओके, बिल्ली बिल्ली दिख रही है भाई। सारी वीडियो ये रात की क्यों है? कुछ होगा तो बता देना। ओके, बिल्ली देख रही है, अभी तो नहीं हो रहा कुछ भी। एक और बिल्ली आई। ओए चेयर हिली, दरवाजा खुला। कितनी बिल्ली है? दो बिल्लियां है ना, या दूसरी बिल्ली भूत है? दरवाजा खुला वो तो दिख गया मुझे, लेकिन हुआ क्या? द कैमरा पैन टू द वॉल एंड स्टेड देयर अंटिल वी रिटर्न। वी वर रिटर्न होम बोथ कैट ट्राइड डर्टिंग आउट द फ्रंट डोर इमीडिएटली एज वी वॉक इन। Something was obviously off, so I downloaded the clip and ran it through my editing software to bring down zoom and edit some. अच्छा भी दिखे कुछ और शायद। ओके क्या दिख रहा है? कुछ है क्या गाइस वीडियो के अंदर? मैं पॉज करके देखता हूँ, यहाँ तक तो नहीं कुछ भी। ओए परछाई है, देखो कुछ परछाई दिख चल रही है। ओके मैं समझा, ये बिल्ली इधर बैठी है और जो दूसरी वाली कैट है ना जो पीछे से आ रही है, वो उस परछाई का पीछा कर रही है। देखो उसको पता लग गया भाई, ये रियल लग रही है गाइस, ये रियल है।
आई गेस ये रियल है। अभी अभी चेयर भी लेगी, अभी चेयर भी लेगी भाई। ये बहुत ज़्यादा क्रीपी है। दरवाज़ा खुला अपना आप, वो भी उसकी माँ का। एक तो इन बिल्लियों की कैसे आग चमक रही है भाई। भाई December 18, 2019 वी डिसाइडेड टू वेट बिफोर रिलीजिंग द फुटेज पब्लिकली, प्लीज शेयर दिस वीडियो एज वी स्टिल लुकिंग फॉर आंसर। मैं भी ढूंढ रहा हूँ आंसर। ओके तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बेस्ट पार्ट तुमको कौन सा लगा वीडियो का। और अगर तुम फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। क्या बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे भी कुछ है।